आज राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का बड़ा कार्यक्रम था। मुद्दा था बीजेपी द्वारा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना। कार्यक्रम में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नजर आए, जहां गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। पूरी खबर आपको बताते हैं, आप द अफेक्ट इंडिया देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के पास चुनावी चेहरा नहीं है, वो कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे। क्या कमल का फूल समस्याओं को खत्म कर देगा? आप उनका वो बयान सुनिए जिसमें वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हमारा कोई चेहरा नहीं है राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री का कमल का फूल चेहरा है। कमल का फूल सड़क बनाएगा, कमल का फूल आपको स्वास्थ्य का अधिकार देगा, पानी की योजना देगा, क्या देगा वो आपको? कमल का फूल उनका निशान हो सकता है, और आप बताइए कोई चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, और जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं वो लोग, उसको आपको समझना पड़ेगा। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया है, चाहे वो पीएस हो या अन्य योजनाएं। दौसा जिले के सिकराय में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि दिल्ली वाले चले जाएंगे, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि भाजपा की करतूतों को समझो, लेकिन अब सवाल यह है कि गहलोत चुनावी चेहरे की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और बीते दिन प्रेस वार्ता में अपने आप को चेहरे के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को आगे रखकर लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस में चेहरा है और वे खुद इस चुनाव में चेहरा होंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।